दोस्तों ये है IBM के फाउंडर अक्षय शाह, जिनको शार्क टैंक में सेलेक्ट होने के बाद शार्क्स के सामने प्रेजेंट करने का मौका तो मिला, इनके एपिसोड को भी रिकॉर्ड किया गया, लेकिन ये एपिसोड कभी टीवी पर आया ही नहीं। आखिर क्यों? शार्क टैंक इंडिया को एक स्टार्टअप फंडिंग शो तो कहा ही नहीं जा सकता। ये बस एकता कपूर के सीरियल्स का एक मॉडिफाइड वर्जन है। US वर्जन में जजेज ऐसे लोग हैं जिनके एक्चुअल में प्रॉफिटेबल बिजनेस है, लेकिन शार्क टैंक के एक शार्क को छोड़कर बाकी सबकी कंपनीज भारी लॉस में है। तो आखिर कौन है वो महापुरुष? शार्क टैंक के सीजन 1 में 40,000 एप्लीकेशंस आई थी। इनमें से 1,000 स्टार्टअप्स को इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट किया गया। उन 1,000 में से 200 को शार्क्स के सामने जाने का मौका मिला, 200 में से 117 को टीवी पर दिखाया गया और बस 67 को फंडिंग मिली। मतलब एप्लीकेंट्स के सिर्फ 0.16% स्टार्टअप्स को फंडिंग मिली। ये है शार्क टैंक से फंडिंग उठाने के लिए सक्सेस रेशियो। माना कि शार्क टैंक एक बिजनेस रियलिटी शो है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि शो पर सिर्फ इनोवेटिव और यूनिक आइडियाज को ही आने का मौका मिलेगा। रियलिटी इसके बिल्कुल ऑपोजिट है। शो में प्रोड्यूसर्स ऐसे स्टार्टअप कंपनीज को भी लेकर आते हैं जिनके आइडियाज में दम हो या ना हो, बस मसाला होना जरूरी है जिससे इनको TRP मिले। वो लोग यही चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग ये शो देखें और उनको एडवर्टाइजर से पैसा मिले, जैसे गोल और गहरी नाभि। बिना कोई मेडिसिन से आपकी नाभि को गोल और गहरा बनाता है। लेकिन वही IBM के फाउंडर अक्षय शाह का एपिसोड कभी लाइव ही नहीं हुआ, क्योंकि वो एपिसोड थोड़ा सीरियस हो गया था जिससे इनको इतनी TRP नहीं मिलती। दोस्तों ऐसा करने से सीजन 2 में इनका रेवेन्यू तो 3x बढ़ सकता है, पर बहुत सारे काबिल एंटरप्रेन्योर्स को कभी मौका ही नहीं मिल पाता। दोस्तों कभी आपने सोचा है कि शार्क टैंक में कॉन्टेस्टेंट इतना परफेक्ट प्रेजेंटेशन कैसे दे पाते हैं? तो उनकी पूरी पिच को क्रिएटिवली स्क्रिप्ट किया जाता है जिससे वो इंटरेस्टिंग लगे, और फिर उनको घंटों इस स्क्रिप्ट की प्रैक्टिस करवाई जाती है। शार्क टैंक में अगर किसी शार्क के सेम निच में कोई स्टार्टअप आता है तो ये शार्क्स या तो उनको खरीद लेते हैं या उसे फंडिंग नहीं देते, चाहे बिजनेस कितना ही प्रॉफिटेबल हो, और दोनों ही सिनेरियोज में बिजनेस को बर्बाद कर दिया जाता है। जैसे सीजन 2 में एक ब्रांड आया रिकॉर्ड, पहले तो शार्क्स ने इनका मजाक उड़ाया। और आप जो बोल रहे हो कुछ बीच बीच में मतलब मुंह हिला रहे हो, कुछ तंबाकू कुछ खा रहे हो? इन लोगों ने पहले साल में ही 15 करोड़ का बिजनेस किया था और सेकंड ईयर में 30 करोड़ का प्रोजेक्टेड था। अब इतना सुनते ही विनीता को डर लगने लगा, जिसका रीजन आपको आगे वीडियो में बताएंगे। इतने अच्छे बिजनेस के बाद भी किसी भी दोस्त ने इस स्टार्टअप में इन्वेस्ट नहीं किया, और यहाँ पर मुझे असमीर की ब्रूटल ऑनेस्टी की कमी महसूस हुई। नेक्स्ट एग्जांपल है लास्ट सीजन वाला हैमर, जो आया तो था ग्रोथ के बड़े बड़े सपने लेकर, लेकिन उसको खरीद लिया गया। अब अगर इन सारे पॉइंट्स को हम इग्नोर भी कर दें तो भाई शार्क्स तो ढंग के ले आते। विनीता सिंह की शुगर कॉस्मेटिक्स, फाइनेंशियल ईयर 21 21 करोड़ का लॉस और 22 में 75 करोड़ का लॉस। अच्छा अब पता चला कि रिकॉर्ड को इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं मिली, क्योंकि मोहतरमा को डर था कि अगर इसे इन्वेस्टमेंट मिल गई तो रिकॉर्ड शुगर को तो डिसरप्ट कर देगा, और फिर होना क्या था, भाईचारा बना रहे। असदीर ग्रोवर अब तो भारत पे में नहीं रहे, पर भारत पे को FY22 में 5,500 करोड़ का नुकसान हुआ। अनुपम मित्तल जो हमेशा ब्रांड बिल्डिंग की बातें करते हैं, लेकिन मजे की बात यह है कि शादी.com के अलावा उनके ब्रांड जैसे मकान.com, मौज मोबाइल को कोई जानता तक नहीं। पीयूष बंसल के लेंस कार्ड को 2022 में 102 करोड़ का नुकसान हुआ है, और नए शार्क अमित जैन भी कुछ कम नहीं है, 22 में 250 करोड़ का नुकसान। नमिता थापड़ शार्क टैंक की अनन्या पांडे है, जिन्होंने खुद स्क्रैच से कुछ नहीं किया, बस अपने फादर के बिजनेस MQR फार्मा में काम करती है, तो शायद एक बूटस्ट्रैप स्टार्टअप की प्रॉब्लम्स को ये कभी नहीं समझ पाएगी। अब एकमात्र जज जो शार्क कहलाने के लायक है और जिनकी कंपनी बोट प्रॉफिटेबल भी है, वो है अमन गुप्ता। दोस्तों क्या आपने सोचा है कि शार्क टैंक के बाद इन फाउंडर्स का क्या होता है? एक रिपोर्ट के मुताबिक 10 में से 8 फाउंडर्स को साइकेट्रिस्ट के पास जाना पड़ता है, और इतना ही नहीं कि सिर्फ शार्क्स इनको रोस्ट करते हैं, एपिसोड लाइव होने के बाद पब्लिक भी इनका मजाक उड़ाना शुरू कर देती है। अब आप एक फाउंडर की ये पोस्ट देखिए और कल्पना कीजिए कि उस नेवल सेपर के फाउंडर पर क्या गुजरी होगी, गोल और गहरी नाभि का कितना मजाक उड़ाया गया होगा। दोस्तों अगर प्रोड्यूसर्स केवल TRP के पीछे ना भागकर अच्छे और यूनिक स्टार्टअप्स को मौका दें, तो शार्क्स और ऑडियंस का टाइम भी कम वेस्ट होगा और पब्लिक को रियल कंटेंट देखने को मिलेगा। लेकिन किसे फर्क पड़ता है, उनको तो बस पैसा छापना है।